आपका स्वागत है द रणवी शो क्लिप्स में बस देखते रहो और सीखते रहो जो आपके ऑफलाइन सेंटर्स भी है वो अनअकैडमी का फ्लेवर है उन ऑफलाइन सेंटर्स में फॉर श्योर या बट अगेन यू आर कंपीटिंग विद ऑल दीस ओल्ड स्कूल गाइस राइट क्या ओल्ड स्कूल गाइस भी इवॉल्व कर रहे हैं? हाउ डू दे व्यू व्हाट यू गाइस आर डूइंग विद दिस ऑनलाइन मीट्स ऑफलाइन प्लस न्यू एज एजुकेशन और क्या आपके मुंह पर कुछ कह देते हैं कभी सो आई थिंक वट्स हैपनिंग इज के एलिन फाउंडर मैटवी इन जे डब्ल्यू मैरियट फोर फाइव ईयर्स अगो एलिन कोचिंग एलन कोचिंग और तब उन्होंने अन अकेडमी को ख़रीदने की बात करी थी बिकॉज आई थिंक दे यूज़ टू नॉट थिंक कि ऑनलाइन एजुकेशन विल भी एनी थिंग ना ये बिल्कुल बात सही है कि के के बाद ऑनलाइन uh, एजुकेशन थोड़ा uh, उसमें जो इनमेंट्स होते हैं वो कम हुए हैं बट ऑनलाइन एजुकेशन इज हेयर टू स्टे एंड इट इज क्रिएटिंग अूज इम्पैक्ट तो आई थिंक वॉट इज हैड इज के जैसे पहले फ्लिपकार्ट और जोमैटो के लिए भी लोग बोलते थे इनिशियली पीपल वर इन डिनाइल के ऑनलाइन एजुकेशन से कुछ नहीं होगा नाउ द फेज इज दैट एवरी वन इज लाइक वी नीड टू हैव एन ऑनलाइन प्ले मतलब जो ट्रेडिशनल ऑफलाइन हाउस है वो खुद के ऑनलाइन पोर्टल्स बना रहे हैं वो खुद के ऑनलाइन पोर्टल्स बना रहे हैं वो खुद के यूट्यूब चैनल्स बना रहे हैं वो खुद के एजुकेटर्स लॉन्च कर रहे हैं वो बेसिकली अनकेडमी जो प्ले बुक है वो कॉपी कर रहे हैं एंड एंड दैट्स गुड बिकॉज आई थिंक बोथ ऑफ अस हैड वन एम कि ऑनलाइन एजुकेशन शुड प्रोग्रेस सो आई थिंक दैट्स हैपनिंग एंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या पूछा था आपने कि वो मुंह पे क्या बोल बोलते थे हाँ. अभी अगर मिलते हैं आपसे वाइब हाँ. क्या होती है बिकॉज आप लोग न्यू किड्स ऑन द ब्लॉक हो एंड यू आर ऑल्सो ईटिंग इन टू देयर पाए एंड आई नो कि आपस में ना मतलब जो ट्रेडिशनलिस्ट हैं इस फील्ड के आपस में बहुत राइवलरीज होती है वेन इट कम्स टू टीचर्स लीविंग ये वो या बिजनेस लीविंग इफेक्टिवली नहीं हमें ऐसा कुछ नहीं हमें लगता है बहुत ही कॉडियल तरीके से मिलते हैं एंड आई हैव नेवर फेल्ट है अब समटाइम्स कुछ लोग कुछ मीडिया को लीक कर देते हैं या कुछ उनको इंफॉर्मेशन बताई तो वो जाके बता देंगे कि जैसे अभी जो कल वाली कंट्रोवर्सी हुई है देर इज़ अ पब्लिकेशन दैट रोट के एन अकेडमी इज बींग सोल्ड ना रियलिटी वो उसके कुछ दो तीन हफ्ते पहले एक कॉम्पिटिटर के साथ uh, दोनों साइड से इट्स नॉट लाइक कि मेरे को इनबाउंड आया था कि डिस्कस करते हैं तो रात को बारह बजे से सुबह पाँच बजे तक एक डिस्कशन चला हम लोग uh, 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 खाना साथ में खा रहे हैं डिस्कशन कर रहे हैं बट दे चोज टू टेल द मीडिया के अन अकेडमी इज इन डिस्ट्रेस और अन अकेडमी तो बिक रहा है एंड देन देर वॉज दिस होल कॉन्ट्रोवर्सी के यू you नो know, हमारे तीन चार हज़ार एम्प्लॉयज़ हैं तो उनका मुराल ख़राब हो जाता है एसेट्रा तो आई थिंक कभी कभार पीपल ट्राई टू एक्ट ओवर स्मार्ट बट ठीक है आई मीन वी डोंट टेक इट टू हार्ट वी आर बिल्डिंग इट दिस फॉर द लॉन्ग रन मैंने उनको मैसेज करा कि यार ज़रूरत ही क्या है करने की सो दे वर ऑल्सो लाइक के ठीक है अगर वो एक्सलेक्ट करेंगे फिर मैं इसकेलेक्ट करूँगा फिर वो लॉस लॉस सिचुएशन है ऐसे स्टोरी सुनकर ना बिजनेस करने की मोटिवेशन थोड़ी सी घट जाती है कि इन सारी सिचुएशन का सामना करना पड़ता है नहीं देखो बट uh, जो फाइनल रिवॉर्ड है वो बहुत अच्छा है इट्स वर्थ इट आई मीन वी हैव गॉन थ्रू सम रियली रियली टफ टेस्ट रियली रियली टफ टेस्ट सुबह पाँच बजे तक बैठे हैं mm. झगड़ रहे हैं फोन तोड़ रहे हैं मैं तो तीन फ़ोन तोड़ चुका हूँ कभी कभार गुस्सा आता है फोन दीवार पर फेंक के तोड़ दिया था तो आई मीन वी हैव गॉन थ्रू सम रियली टफ फेज बट इन देंड इट्स इट्स वर्थ एंड यू हैव टू नेविगेट दिज फेज और आएंगे आई मीन देर विल बी टाइम्स वेयर जो आपके पीपल क्लोजेस्ट टू यू हैं वो कोई आपकी बात लीक मीडिया को कर देंगे जैसे कॉम्पिटिशन ने हमारे साथ करा देर विल भी टाइम्स कि आपने किसी चीज़ में दस मिलियन डॉलर इन्वेस्ट करें आपने एक प्रोजेक्ट में दस मिलियन डॉलर इन्वेस्ट करें बट वो ज़ीरो हो गया हुआ है हमारे साथ देर वॉज अ के ट्वेल्व वन ऑन वन कोचिंग कंपनी कॉल मास्ट्री हमने वो कंपनी खरीदी थी और उसमें टोटल हमने फोर्टीन मिलियन डॉलर इन्वेस्ट करे थे बट दैट बिकेम ज़ीरो बिकॉज वो बिजनेस मॉडल ही नहीं चला वाइट हैड जूनियर भी क्रैक नहीं कर पाया कोई भी क्रैक नहीं कर पाया बट यू हैव टू टेक इट अप टू योर चिन यू हैव टू बी ट्रांसपेरेंट अबाउट इट कि हे आई ट आई एम सॉरी और हमारे ये लेसन है एंड देन यू हैव टू डिस्क्लोज दिस टू योर इन्वेस्टर्स उस समय आप पीछे भागोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी आप आपको बोलना पड़ेगा कि यू नो दिस इज दिस इज़ समथिंग वी ट्राइड उसका मतलब ये है ये नहीं है कि आप एक्सपेरिमेंट्स करना बंद कर दो जेफ पीज हो उसका आप कोई भी कोर्ट उठा के देखो तो so बोलता है योर सक्सेस इज जस्ट डिपेंडेड ऑन नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ए डब्ल्यू एस वॉज एन एक्सपेरमेंट एट्सेट्रा सो आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक के फिल्टर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज दिट लाइक डिस बैड पीपल टू स्टार्ट बिजनेस या फिर एग्ज़ाम में भी ले लो कि दिस फिल्टर्स आर वेरी गुड कि इतना टफ है कि भाई जो नॉन सीरियस प्लेयर्स हैं दे शुड नॉट कम बिकॉज एनी वे यू हैव टू स्पेंड एन ईयर ऑफ यर लाइफ सो अगर रियलिटी पहले पता हो तो गुड पीपल विल कम सो गुड बिजनेस तो अल्टीमेटली जो लर्नर कम्युनिटी है फिर ओवरऑल जो कम्युनिटी है दे गैट बेनिफिटेड जब जनरेटर के सामने चिल्ला आते थे, थे, थे एग्जाम से पहले कंपेयर टू ऐसे मोमेंट्स जहाँ इतने बड़े मोनिटरी लॉसेज हो रहे हैं विच वन फील्स हार्ड ओ सी वहाँ पे तो इंडिविजुअल रिस्पांसिबिलिटी है ना लाइक आई एम नॉट रिस्पांसिबल फॉर एनी वन लाइक आई डोंट ओ दैट एग्जाम टू एनी वन एल्स मतलब थोड़ा बहुत माँ आपके लिए बोल सकते हो बट यहाँ पे तो देर इज अ लार्जर पिक्चर इज अ जुडिशियरी रिस्पांसिबिलिटी देर आर को फाउंडर्स देर आर जैसे गौरव ने बताया तीन हजार एम्प्लाइज हैं हजारों एजुकेटर्स हैं लाखों लर्नर्स हैं सो वहाँ पे देन यू आर कैरिंग द वेट ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल सो देयर यू कॉन्ट लाइक गो रॉन्ग यू कॉन्ट देयर हेयर इफ यू बट इट्स योर लाइफ एंड एनी डॉक्टर हो तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा लाइफ में यहाँ पे द स्टेक्स आर लाइक थाउजेंड्स था। ऑफ टाइम्स हायर दोस्तों ऐसे तो ही बहुत सारे क्लिप्स अपलोड किए हैं इस चैनल पर चैनल को एक्सप्लोर करो देखते जाओ और सीखते जाओ